नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज से एसएससी के लिए डेली ओडब्ल्यूएस मतलब प्रतिदिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर एसएससी, और ये सब पिछले वर्षों में पूछा हुआ है और प्रतिदिन आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप सोचते होंगे कि ये दो क्वेश्चन से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, दो क्वेश्चंस है लेकिन जब ऑप्शंस क्लियर होंगे तो ये आपका दो से भी ज़्यादा हो जाएगा। और आप चाहे तो प्रतिदिन इसे नोट करके रख सकते हैं क्योंकि ये सब पिछले वर्षों में पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, द स्टेट ऑफ बींग इन शॉर्ट सप्लाई मतलब किसी चीज़ की कमी को क्या कहेंगे। तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं। प्लेथरा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब प्रचुर मात्रा में। मिरियड का मतलब होता है अनगिनत बहुत ज़्यादा, ये भी हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, और प्रोफ्यूजन का मतलब होता है प्रचुर मात्रा मतलब प्लेथरा, मिरियड और प्रोफ्यूजन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब सिमिलर वर्ड्स होंगे। और स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, ऑप्शन सी। और यहाँ पूछा भी गया था द स्टेट ऑफ बींग इन शॉर्ट सप्लाई मतलब किसी चीज़ की कमी को क्या कहेंगे, मतलब कमी, और कमी का होता है स्कार्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजुरी मतलब बदला लेने की इच्छा रहना, मतलब बदला लेने से प्रेरित को क्या कहेंगे। तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं। अफेबल का मतलब होता है दोस्ती, दिल से, हृदय से, मतलब मित्रता हृदय से, उसका मतलब होता है अफेबल। और उसके बाद कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना, और वेंजफुल का मतलब होता है बदला लेना, और बिनाइन का मतलब होता है दयालु, कृपालु। और पूछा क्या गया है सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजुरी मतलब बदला लेने से प्रेरित होना, मतलब क्या हो गया बदला लेना, और बदला लेना का क्या होता है वेंजफुल, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, और लाइक के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी एक कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले।